उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे, पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अलका। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच चल रही लड़ाई में कहीं ना कहीं भतीजा चाचा पर भारी होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि चाचा का पत्ता साफ होने वाला है। अगर चाचा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उससे पहले गठबंधन की बात कर ले। चिराग पासवान ने कह दिया है कि हाजीपुर से मेरे चाचा पशुपति पारस को चुनाव लड़ना हो तो पहले गठबंधन से बात कर ले। हाजीपुर सीट पर दावा करना है तो पहले एनडीए के सिर्फ 5 नेताओं से बात कर ले, फिर कुछ दावा करे। यह बातें हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। वहीं आपको बता दें, हाजीपुर सीट पर अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की दावेदारी को खारिज करते हुए उनके भतीजे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट पर दावा करना है तो पहले गठबंधन में बात कर लें। जब दो घटक दल एक सीट को लेकर खिंचातान करते हुए नजर आती है तो गठबंधन गलत स्थिति में दिखता है। इसीलिए जो बातचीत उन्हें करनी है वह गठबंधन के भीतर करें, ना कि बाहर। जब गठबंधन से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आप पूरी तरीके से दावा कर सकते हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हाजीपुर सीट पर दावा करने को लेकर मैं हाजीपुर सीट पर धावा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने गठबंधन में जाने से पहले इन सारी चीजों पर बात कर ली है। अगर आज मैं ऐसा बोल रहा हूं तो गठबंधन ने मुझको इसका अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि चाचा का जो लहजा है वो गलत नहीं है, वो हमारे चाचा हैं, इसलिए उनका हक है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो हाथ उठा सकते हैं। इधर चाचा के आरोप पर पलटवार करने से बचते हुए चिराग ने कहा कि हमारा संस्कार नहीं है कि चाचा की बातों का पलटवार जवाब दूं। वो मेरे चाचा हैं और उनका मुझे मारने का, मुझ पर हाथ उठाने का पूरा हक है। उनके पास अधिकार है कि वह आने वाले समय में मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं। भाई, ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं, वो उम्र में रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं, क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलट कर मैं जवाब दूँ? बड़े नहीं है भाई, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। पाँव तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। उन्होंने कहा है मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा, पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? भाई, हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं, मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है, हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखे। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर कर, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई, हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। वहीं मैं सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, वैसे वो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहूंगा। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। नमस्कार।